तो हेलो एंड वेलकम गाइस, जिसके आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को डाउनलोड नहीं किया है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि आपको किस तरीके से बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को डाउनलोड करना है। तो उसका जो लिंक है मैं आप लोग को आई बटन में दे दूंगा। तो आप जैसे बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेकर इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अकाउंट ट्रांसफर। तो अगर आप अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते हो तो आपका जो इन्वेंट्री जो भी आपके पास गन स्किन है वो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर एक भी स्टेप मिस करते हो तो आपका जो अकाउंट वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना। आज के इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग जो अकाउंट को किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई अभी तो फाइनली बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया आ ही चुका है। तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी बहुत सारे वीडियोस में आगे डालूंगा जो भी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया से रिलेटेड है। तो आप ही चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो गाइस आप जैसे बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेकर इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप जैसे अकाउंट को ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका जो डाटा उसको अकाउंट को ट्रांसफर करना है यहाँ पर नहीं। तो गाइज अगर आपने यहाँ पर गलती से नो कर दिया तो कोई भी बात नहीं, गाइज यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर गाइज बैक आने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा गाइज मेरे जो अकाउंट यहाँ पर कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं है, जो भी इन्वेंट्री यहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं है आप लोग देख सकते हो। तो आपको किस तरीके से अकाउंट को ट्रांसफर करना है इसके लिए गाइज आपको सेटिंग को ओपन कर देना है। सेटिंग के अंदर गाइज आप जैसे ही जाओगे तो सेटिंग के अंदर जाने के बाद ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अकाउंट ट्रांसफर। तो अकाउंट ट्रांसफर के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप एक भी स्टेप को मिस मत करना। अगर आप एक भी स्टेप को मिस करते हो तो आपका जो अकाउंट वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो जैसे आप अकाउंट ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका जो अकाउंट उसको ट्रांसफर करना है या फिर नहीं। तो अगर आप अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। तो जब जैसे यस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप फेसबुक से या फिर ट्विटर से लॉग इन करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपका फेसबुक या फिर ट्विटर से लॉग इन है तो यहाँ पर आपका जो डाटा उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी तो फाइनल वर्जन नहीं है, जब भी फाइनल वर्जन आ जाएगा तो यहाँ पर प्ले गेम्स का भी ऑप्शन आ जाएगा। उसका तो जैसे ये पेज खुलकर आ जाएगा यहाँ पर आपका जो फेसबुक का जो ईमेल आईडी और पासवर्ड उसको यहाँ पर डाल देना है। तो जब जैसे फेसबुक का ईमेल और पासवर्ड डाल दोगे, डालने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन कर देना है। तो जब जैसे कंटिन्यू करोगे आपका जो अकाउंट वो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका जो डाटा उसको ट्रांसफर करना है या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पर आपको सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप यस पे क्लिक कर दो तो आपका जो अकाउंट वो लॉगआउट हो जाएगा। तो लॉगआउट होने के बाद गाइस यहाँ पर आपको पूछा मतलब कि कहेगा कि आपका जो अकाउंट का जो डाटा वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है जो न्यू ऐप के अंदर। तो यहाँ पर गाइस हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ टाइम लग जाए। फिलहाल मेरे जो अकाउंट वो जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो गया है। अगर यहाँ पर आपको कुछ टाइम लगता है तो आप या फिर 5 या फिर 6 मिनट के बाद आप वापस से यहाँ पर लॉग इन करना। तो आप जैसे वापस से लॉग इन करोगे तो लॉग इन करने के बाद आपके ग्लोबल वर्जन के अंदर जो भी डाटा है, जो भी आपका गन स्किन है, जितने भी डाटा है वो सारे के सारे जो डाटा वो इस वर्जन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आप लोग यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर गेम प्ले मैनेजमेंट की तरफ से पर मुझे पूछा जा रहा है कि मेरा जो एज वो 18+ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा जो डाटा वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। तो आप इस तरीके से आपका जो डाटा उसको ट्रांसफर कर सकते हो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर। और गाइस और एक चीज़, बहुत सारे लोगों को जो भी चीज़ें वो कुछ लोगों को कुछ चीज़ें वो मिल चुका है और बहुत सारे लोगों को जैसे कि कुछ आउटफिट नहीं मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पर फाइनल वर्जन नहीं है उन्होंने कहा। तो जब भी फाइनल वर्जन आ जाएगा तो हर एक को जितनी भी चीज़ें वो मिल जाएगा। जैसे कि मेरा जो क्लेम वो अभी तक मुझे नहीं मिला तो बहुत ही जल्दी हर एक को मिल जाएगा। तो आप कुछ टाइम तक वेट कर लो। अगर आपको सब चीज़ नहीं मिलता है तो आपको कुछ टाइम तक वेट करना होगा, सबको जो भी चीज़ था वो सबको मिल जाएगा। और कहीं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्क्वाड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ और अपने वीडियो में, तब तक।